हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा बहुत ही क्लियरली कि एग्जाम के लिए ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई किया जाता है वो स्टार्ट कर दिया गया है। अब आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई एंड से 22 जुलाई से जो है आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। हर एक एग्जाम्स के डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं। तो बीकॉम और एमकॉम का जो एग्जाम होगा उसके डेट्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिए थे। आप एक बार उसको देख लो, या फिर मैं दोबारा से उसको मैं सोच रहा हूँ डाल दूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है। और ये नोटिफिकेशन के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1 जून से लेकर के 25 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी लेट फी। 200 रुपये पर कोर्स आपको पे करना है, ठीक है ना? तो बीकॉम एमकॉम जितने भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं इग्नू से, वो सारे के सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप आपका स्टार्ट हो गया है, लेकिन 1 से 25 तक अगर आप पे करेंगे तो आपको सिर्फ जो टर्म एंड एग्जामिनेशन देने का जो फी लगता है सिर्फ आपको वो लगेगा। लेकिन अगर आप 25 के बाद फॉर्म फिलअप करते हैं तो फिर आपको लेट फी लग जाएगा 1100 रुपये का, जो कि समटाइम्स आपके कोर्स फी से भी बहुत ज्यादा होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें कि आपका जो फॉर्म फिलअप है वो 25 जून से पहले हो जाना चाहिए। अगर आपने मन बना लिया है कि इस पेपर्स के मुझे एग्जाम देने हैं इस वाले सेशन में, तो पक्का जाकर के जल्दी से जाकर के फॉर्म फिलअप कर लो। लास्ट टाइम में समटाइम्स रश भी होता है जिसके कारण से थोड़ी सी वेबसाइट डाउन रहती है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। फॉर्म फिलअप जाकर के तुरंत कर लेना है जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है? तो ये जानकारी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि जिन भी जो भी बच्चे हैं बीकॉम और एमकॉम की स्टडी कर रहे हैं उनको अगर नोट्स चाहिए, जो लोग वीडियो देख करके लाइक उतना पढ़ना पसंद नहीं करते, या जिनके पास उतना टाइम नहीं हो पाता कि वो वीडियोस को बैठ करके, पेशेंस भी चाहिए होता है कि बैठ करके वो लोग सुने उसको, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं बीकॉम और एमकॉम कोर्सेज के। एक छोटा सा नॉमिनल सा फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि मंथली जो आपका ट्यूशन फीस होता है उससे भी कम है, तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे रखा गया है। मैं फीस आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ, 300 रुपये पर कोर्स आपको पे करने हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको उतना देना है। अगर आप 6 कोर्सेज, जैसे कि एमकॉम की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में टोटल 6 कोर्सेज हैं, तो 6 कोर्सेज के आपको सिर्फ 1500 रुपये देने पड़ेंगे। 1800 रुपये हो रहे हैं, बट आपको 1500 रुपये ही देने हैं। यहाँ पे 300 रुपये का आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप लेना चाहें कोर्स असाइनमेंट्स, तो आप सॉरी अगर आप नोट्स लेना चाहें तो वो हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। असाइनमेंट्स मेरे मुंह से गलती से निकला, बट जी हाँ, असाइनमेंट्स भी अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। सारे स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं हो पाए हैं हमारे चैनल की तरफ से। बट एक रिसेंट एक मैंने प्लान करा है कि नहीं, एक मैं नया चैनल लॉन्च करूंगा जहाँ पे सारे के सारे असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे आपको और नोट्स भी मिल जाएंगे। बट वो लेटर ऑन एक प्रोसेस की बात है, उसको किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास असाइनमेंट्स बीकॉम और एमकॉम के अवेलेबल है, साथ ही साथ नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे बाय कर सकते हैं। अच्छा, फॉर्म फिलअप के बारे में मैंने आपको डेट्स तो बता दी, इसके लिए कुछ चीजें और आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक आ, 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 बोला जाएगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आपको अपना प्रोग्राम कोड डालना है, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। सपोज आप अगर कोलकाता के रहने वाले हो, अगर आप कोलकाता रीजन से रहने वाले हो, बंगाल रीजन से रहने वाले हो, तो यहाँ पे आपको कोलकाता सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? सपोज मैं राजकोट का हूँ, राजस्थान का हूँ, या गुजरात में आई गेस राजकोट पड़ता है, वहां का हूँ, मैं जहाँ का भी जो मेरा रीजनल सेंटर रहेगा वो मुझे चूज करना होगा। चूज करने के बाद यहाँ पे जो देखो लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द नॉन कम्प्लायंस ऑफ एनी अबव कंडीशंस, अब ये जो कंडीशंस है ये कंडीशंस आपके पूरे पूरे होने चाहिए तो ही आप फॉर्म फिलअप के लिए अप्लाई करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो एग्जामिनेशन फी सबसे पहला बात तो 200 रुपये आपको पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, पैसा आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ असाइनमेंट्स एज एप्लीकेबल फॉर द कोर्सेज फिल्ड इन एग्जामिनेशन फॉर्म हैव टू बी सबमिटेड, हैव बीन सबमिटेड, है ना? आपको इस बात का ध्यान देना है कि जिस भी पेपर का आप एग्जाम देने वाले हो उसका असाइनमेंट पक्का जमा हुआ हो जाना चाहिए, ठीक है ना? वो दूसरी बात। तीसरी बात, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्स इज वैलिड एंड नॉट टाइम बार्ड, आपका जो कोर्स का रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए। मतलब आपने सपोज रजिस्ट्रेशन 5 साल 6 साल पहले कराया था, आप अभी एग्जाम दोगे उसके बेसिस पे तो वो पॉसिबल नहीं है, है ना? एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के बाद वो चीज जो है टाइम बार्ड हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना? तो इन सारे तीनों जो यहाँ पे कंडीशन है इसको फुलफिल करके आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है, और जो भी रिक्वायर्ड फील्ड होंगी उनको वहां पे फिलअप करना होगा। तो इन सारे चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना? इसके अलावा आप चाहें तो इन सारी चीजों को पढ़ सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है इस चीज को। जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, उस टाइम पे मैं आपको ये चीजें दिखा दूंगा। यहाँ पे चूंकि एग्जाम से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं, जैसे यहाँ पे हॉल टिकट के बारे में बोला जा रहा है कि 7 या 10 दिन पहले अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर लाइक ऐसी चीजें जो कि मैं आपको बाद में भी बताऊं तो चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो गया है। मैं सबको बोलना चाहूंगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर लो। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, जो भी आपको प्रॉब्लम है मैं उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।